हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। आज मैं बनाना बता रही हूँ एक स्नैक्स, दही कबाब। दही कबाब कैसे बनेंगे और उसे आप घर पे कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं वो बता रही हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स हमें दही कबाब बनाने के लिए लगेंगे वो हैं, देखें, एक कप दही यानी कि 1 कप कर्ड, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 अनियन फाइनली चॉप्ड, करियंडर लीफ हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 ग्रीन चिली हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, तलने के लिए तेल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 बॉइल्ड पोटैटो, उबला हुआ आलू 1। एक कप दही लिया है हमने और इस दही को बजाय बांध के रखने के एक टॉवल के ऊपर हमने 4 घड़ी टॉवल किया है पोर पर और उसके ऊपर इसको फैला दिया है ताकि इसका सारा पानी सूख जाए और ये एब्जॉर्ब कर ले पानी को और ये दही जो है सूख के अपने को मिले। एक आलू लिया है हमने और इसे बॉईल करा है और इस तरह से फिर इसे मैं मैश कर रही हूँ। बॉईल करके आलू को मैश करेंगे पहले बिल्कुल अच्छे से ताकि उसमें लम्स ना रहें। हाथ से ही करें या फिर अपन मैश कर लें पाव भाजी। आलू को उबाल के छील के बहुत अच्छे से मैश किया है और अब ये देखती हूँ कि दही का क्या हाल है। दही मैंने इस तरह से करा है, देखिए पूरा, और इस दही को इसमें मिक्स कर दूँगी ऐसे। इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया है, देखें बहुत अच्छी तरह से। और इसमें डाल रही हूं मैं बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बीच में ऐसा है उसे निकाल दूंगी। प्याज और नमक डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून जीरा ले रही हूँ। दोनों चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं और हरा धनिया डालूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इस तरह से मेरे को कबाब बनाने हैं छोटे छोटे और इनका ये ध्यान रखना है कि पहले हम एक फ्राई करके देखेंगे कि अगर ये टूट रहा है तो इसमें और कॉर्नफ्लोर डलेगा और अगर ये नहीं टूट रहा है तो फिर ठीक है, फिर हमको सारे बनाने हैं। और जब भी कोई फ्राई करते हैं, कोई भी चीज़ को हम फ्राई करते हैं, तो अगर हम एक साथ बहुत सारे डालते हैं तो जो ऑयल है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और फिर वो चीज़ टूटने लग जाती है। तो एक एक दो दो करके ही निकालें वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक इसमें डाल के देखा है कि ये कहीं जल तो टूट तो नहीं रहा है ना, तो अभी मैं गैस बिल्कुल बंद कर देती हूँ क्योंकि इसे बहुत तेज़ आंच में नहीं बनाना है, सिम पे करना है थोड़ा। अभी ये बहुत तेज़ है अपना और ये टूट नहीं रहा है, तो मैं एक दो और डाल देती हूँ ताकि इसका वॉल्यूम कम हो जाए तो ये अपने से ठीक हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये निकल जाएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं ये और इसका नाप बिल्कुल सही है। 1 कप दही है तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डलेगा। ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं देखिए, और इसका ऑयल इस तरह से निथार के ही लेना है ताकि एक साथ निकाल निकाल के नहीं रखें और टिश्यू पेपर पे रखें ताकि वो हो जाए। बहुत अच्छे से पके हैं ये, फ्राई हुए हैं, बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं दही कबाब। और एज अ स्टार्टर हम इसे सर्व करेंगे किसी भी पार्टी में, ड्रिंक्स पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, किसी भी चीज़ में, और बहुत बढ़िया ये बन के रेडी हुए हैं। आप भी बनाइए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है।
आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसे बने। देखिए ये दही कबाब रेडी हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्प हैं और सॉफ्ट हैं, और आप भी इसे बनाएं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसे बने।